अस्पताल में सोनोग्राफी करने के लिए संजय गांधी अस्पताल से आते हैं डॉक्टर। न्यूरोलॉजिस्ट की कमी से जूझ रहा है अस्पताल। मेडिसिन विभाग के डॉक्टर चला रहे हैं सोनोग्राफी मशीन। मुंह मांगी तनख्वाह देने के बाद भी नहीं मिल रहे डॉक्टर। सुपर अस्पताल में सोनोग्राफी करने के लिए संजय गांधी अस्पताल से आते हैं डॉक्टर। न्यूरोलॉजिस्ट की कमी से जूझ रहा अस्पताल। मेडिसिन विभाग के डॉक्टर चला रहे सोनोग्राफी मशीन। मुंह मांगी तनख्वाह देने के बाद भी नहीं मिल रहे हैं डॉक्टर। रीवा के सुपर अस्पताल को काफी तामझाम के साथ बनाया गया था, काफी सुविधाओं के साथ इसको प्रारंभ किया गया था। जिस तरीके से सोच को लेकर सुपर अस्पताल की नींव रखी गई थी वह उसमें कामयाब होता दिखाई नहीं दे रहा। सुपर स्पेशली अस्पताल रीवा में न्यूरोलॉजिस्ट की कमी बरकरार। सोनोग्राफी मशीन चलाने संजय गांधी अस्पताल से आते हैं डॉक्टर। मुंह मांगी तनख्वाह देने के बाद भी नहीं मिल रहे डॉक्टर। न्यूरोलॉजी विभाग की मशीन को ऑपरेट कर रहे मेडिसिन के डॉक्टर। रीवा जिले के या यूं कहें विन क्षेत्र के मरीजों को बेहतर इलाज मिल सके इसके लिए रीवा में बनाए गए सुपर स्पेशली अस्पताल को लेकिन संचालन के बाद से ही लगातार डॉक्टरों की कमी को दूर करने का प्रयास किया जा रहा, लेकिन अभी तक इसमें किसी भी तरीके की कामयाबी नहीं मिल रही। डॉक्टरों की कमी बेहद है यहाँ पर। अस्पताल में न्यूरोलॉजी विभाग में विशेषज्ञ डॉक्टर की कमी बनी हुई है, जिसके कारण मरीज को भी काफी परेशानी होती है। इलाज कराने के लिए बाहर के शहरों में जाना पड़ रहा। अस्पताल में सोनोग्राफी मशीन चलाने वाले डॉक्टर पदस्थ नहीं है, इसके लिए संजय गांधी अस्पताल से डॉक्टर बुलाया जाता है। वही न्यूरोलॉजी विभाग की मशीनों को मेडिसिन विभाग के डॉक्टर ऑपरेट कर रहे हैं। इसके अलावा सुपर अस्पताल के रेडियोलॉजी विभाग में भी डॉक्टरों की कमी बरकरार है, जिसके चलते अस्पताल प्रशासन डॉक्टर की खोज में जुटा हुआ है। बताया जा रहा है कि जब से अस्पताल की शुरुआत हुई तब से ही सुपर अस्पताल में इन विभागों में डॉक्टरों की नियुक्ति नहीं हुई है। दरअसल पहले रीवा सहित विन क्षेत्र के मरीजों को इलाज के लिए बाहर के शहरों में जाना पड़ता था। नागपुर, लखनऊ, दिल्ली, रीवा का आदमी इलाज के लिए जाता था, जिसके कारण बेहतर इलाज के लिए रीवा में सुपर अस्पताल की नींव रखी गई। परंतु यह अब भी विशेषज्ञ और अच्छे डॉक्टरों की कमी से जूझ रहा है, जिससे मरीजों को लगातार परेशान होना पड़ रहा। अस्पताल खोलते समय लाख दावे किए गए थे, लेकिन जमीनी हकीकत यही है, मशीनरी होने के बावजूद उन्हें चलाने वाला नहीं खोज पाया रीवा का सुपर अस्पताल का अमला। इस बारे में हमने सुपर अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर अक्षय से बात की। आइए आपको सुनाते हैं सुपर अस्पताल को लेकर डॉक्टर अक्षय डीन सुपर अस्पताल ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए अधीक्षक क्या कह रहे हैं। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रीवा में अभी कुछ डॉक्टर्स की कमी जरूर है, जिसमें से हमारे कुछ विभाग संचालित नहीं हो पा रहे हैं। इसमें हम देखें तो न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट, जिसे को हम न्यूरोफिजिशियन कहते हैं, वो अभी हमारे यहाँ डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है। कोई भी न्यूरोलॉजिस्ट अभी हमारे पास ज्वाइन नहीं किया है, जिसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। हर महीने हम लोग इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं और जो लोग भी अगर कोई भी इंटरेस्टेड हैं तो उनको हम सेलेक्ट करके उसको प्रतिस्थापना करते हैं। न्यूरोलॉजी ना आने की वजह से न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट हमारे यहाँ काम नहीं कर पा रहा है, और जिसकी वजह से थोड़ा सा डॉक्टर्स की कमी है। इसके अलावा जो हमारे न्यूनेटोलॉजी डिपार्टमेंट है, बच्चों वाला डिपार्टमेंट है, उसके भी डॉक्टर्स की कमी है, वो भी किसी ने ज्वाइन नहीं किया है। परंतु हम थोड़ा बहुत उसको मेडिकल कॉलेज से संबद्ध होकर संचालित कर रहे हैं, अभी तक डॉक्टर्स वहाँ से आके इसको संचालित कर रहे हैं। साथ ही न्यूरोलॉजी में भी हमने कोशिश की है कि मेडिसिन डिपार्टमेंट से जो भी हमारे न्यूरोलॉजी के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे EEG मशीन, NCV मशीन, वो हमारे वहाँ के डॉक्टर्स आके उसको संचालित करते हैं, और हमारे यहाँ के जो ट्रेंड स्टाफ को हमने ट्रेनिंग देकर वो प्रोसीजर हम फॉलो कर रहे हैं और वो भी टेस्ट हम संचालित कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास जो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है उसमें रेडियोलॉजिस्ट की पोस्ट खाली है, उसके लिए भी संजय गांधी अस्पताल से जो वहाँ पे पदस्थ रेडियोलॉजिस्ट हैं वो आके यहाँ की जो मशीन सोनोग्राफी मशीनें हैं उसको संचालित करते हैं, और समय आप 2-3 घंटे तक सोनोग्राफी प्रतिदिन की जाती है। साथ ही CT स्कैन, जो हमारे यहाँ CT स्कैन मशीन लगी है, उसमें रिपोर्टिंग की समस्या को दूर करने के लिए हमने ऑनलाइन रिपोर्टिंग स्टार्ट की है पहली बार गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में भी। तो जितने भी केसेस दिन भर में 24 घंटे हमारी CT स्कैन संचालित हैं, और जितने भी पेशेंट्स आते हैं उनकी रिपोर्टिंग ऑनलाइन के माध्यम से रिपोर्टिंग की जाती है। इसके अलावा एक्सरे वगैरह सभी हमारा रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट का संचालित है।